हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको थ्रेड बैंगल बनाना बताऊंगी। ये जो बैंगल मैंने बनाई हुई है, ये मेरी बची हुई जो पुरानी बैंगल्स है उससे बनाई हुई है। तो हम पुरानी बैंगल्स को नया लुक कैसे दे सकते हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगी। जैसे ये देखिए, मैंने पुरानी बैंगल्स हैं मेरे पास कुछ। इसके लिए हमें जो जो मटेरियल चाहिए, जैसे बैंगल्स चाहिए पुरानी हो, नई हो, आपके पास पुरानी हो तो पुरानी, फिर ये थ्रेड चाहिए रेशम का, ग्लू चाहिए, कुछ सीक्वेंसेस चाहिए, ये डायमंड की लेस है और ये एक बीड्स की है। तो जैसे इस चूड़ी पे मैंने डायमंड का काम किया है, तो इस पे हमने सीक्वेंसेस का किया हुआ है, इस पे भी। तो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। जैसे मैं ये बैंगल ले रही हूँ, अगर आपको ये बैंगल्स का बनाना है तो आप क्या करिए, इन बैंगल्स को पहले यहाँ पे गम लगा के ऐसे चारों को, चार या पांच जितना चौड़ा आपको चाहिए चिपका लीजिए, फिर उसके बाद हम उस पे वर्क करेंगे। अब सबसे पहले हम धागा रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक कोई बुक ले लेंगे पुरानी, उसमें से हम ऐसे, ये मैंने तो बुक में दिखा रही हूँ आपको, जैसे बार बार लपेटते जाएंगे तो 30 धागे हमें ऐसे ही बार बार लपेटने हैं इस पे। तो हमारे ये 30 धागे गैदर हो गए हैं इकट्ठे। आप किसी भी तरीके से इकट्ठे कर सकते हैं 30 धागे, मैंने ऐसे किए हैं। फिर हम इसको यहां से काट देंगे। तो ये हमारे पास ये थ्रेड ऐसे बन गया। अभी हम इसको थोड़ा, ये ऐसे फैल जाएंगे धागे, तो इसको थोड़ा हम ये गम लगा लेंगे जिससे ये धागे फैले नहीं। ये देखिए, तो दोस्तों ये धागा तो हमारा रेडी है। अभी हम ये बैंगल लेंगे और इसको यहाँ स्टार्ट करना है, अंदर की तरफ थोड़ा ग्लू लगाएंगे। ये धागा ग्लू पे चिपका देंगे ऐसे। फिर ये हम ऐसे धागे को चूड़ी के अंदर ऐसे ही राउंड राउंड घुमाते जाना है। यहाँ पे हाथ रखना है, टाइटली रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। गम हमें एक ही जगह लगाना है। इसको ऐसे ही पूरी चूड़ी पे हमें लपेट देना है। धागा आप थोड़ा लंबा ही लीजिए, ये पूरा लपेट देंगे इस पे। अब देखिए, ये पूरा धागा हमने लपेट दिया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे अभी हम लास्ट पे हैं, वही हम यहाँ पे ये गम लगाएंगे अंदर की तरफ ये, और ये अंदर यहां से ही हम इसे ऐसे काट देंगे धागे को, और धागे को अंदर से अच्छे से ये कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडी हो गया चूड़ी। अभी धागा लपेट के
अब हम इस पे वर्क करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम ये गम लगा लेंगे। ये मेरे पास सीक्वेंस पड़े हैं तो हम ऐसे लगाएंगे। इसको थोड़ा ये देखिए, आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। जैसे मैं इधर अभी ये मैंने चार लगा दिए हैं, एक इस साइड लगाऊंगी, और ये इसको थोड़ा केयरफुली लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये पहले मैंने तीन लगाए, फिर हमने ऐसे राउंड में चार लगा दिए। और फिर आगे हम इसको थोड़ा गम लगा लेंगे। ऐसे तीन लगा दिए, फिर जो मैंने अभी ये चार लगाए थे ऐसे ही हम चार लगाएंगे। देखिए ये हमने ऐसे ही पूरे पे कर देना है इसे। अभी थोड़ा गीला है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो ये पूरा लगने के बाद देखिए दोस्तों कैसा लगेगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी वेस्टेज चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको नया लुक दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।